चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम एक और स्टेट का सीएचओ का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, तो जो भी लोग क्लास में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो पाए। आज है जो, जैसा मैंने आपको दो दिन पहले की एक क्लास में कहा था कि हम डेली है जो एक NHM या CHO और ANM के पेपर सॉल्व करेंगे, उसी सीरीज़ की कंटिन्यूटी बनाते हुए आज है जो हम उत्तराखंड का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 2024 में ही कंडक्ट करवाया गया था। पेपर में नर्सिंग नॉन नर्सिंग दोनों तरीके के क्वेश्चंस थे, तो जिनका भी अपकमिंग टाइम में CHO UP बिहार राजस्थान MP त्रिपुरा किसी भी स्टेट के लिए CHO NHM GNM ANM या पोस्ट बेसिक BSc के लिए आप एग्ज़ाम देते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। क्लास में आप लोग एंड तक ज़रूर जुड़े रहिए, और जिन भी लोगों ने अभी तक जो मेडिकल नर्सेज आपकी बुक्स आई हैं वो ऑर्डर नहीं की हैं तो प्लीज़ ऑर्डर कर लीजिए। आपके लिए अभी लिमिटेड है जो बुक्स की कॉपीज़ अवेलेबल हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट यदि जब आउट ऑफ स्टॉक होती हैं बुक्स मे बी 1 or 2 weeks का टाइम आपको लग जाएगा। लिमिटेड स्टॉक से अभी जो भी लोग ऑर्डर करना चाहते हैं, जो लोग रेलवे की और CHO की दोनों बुक्स हैं मैं आपको दिखा देती हूँ, यदि आप लोग दोनों एक साथ ऑर्डर करना चाहते हैं तो एक साथ ऑर्डर करेंगे आप तो आपको और है जो स्पेशली डायरेक्ट ऑर्डर में आपको और ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे बुक्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। जो लोग फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना चाहते हैं कैश ऑन डिलीवरी तो वो लोग फ्लिपकार्ट से बुक को ऑर्डर कर सकते हैं एज यू विश, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। यदि डायरेक्ट करना चाहते हो और यदि जो भी लोग बुक्स के थ्रू नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपको PDF मटेरियल अवेलेबल है, चाहे आप ANM का एग्ज़ाम दे रहे हो CHO का NHM का या कोई भी स्टेट का, तो आपको हर एक स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो आप लोग डायरेक्ट भी WhatsApp पे कॉन्टैक्ट करके उस मटेरियल को परचेस कर सकते हैं। आज के पेपर में हम, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि उत्तराखंड का हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं, बट बिफोर दैट बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि जो अपकमिंग एग्ज़ाम होना है CHO एग्ज़ाम होना है बिहार का और उत्तर प्रदेश, जो दोनों जगह के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, उनको सिलेबस क्या रहना है। तो मैं बता दूं कि स्पेशली जो UP का सिलेबस है वो एस पर सेम है जो प्रीवियस था, और एस पर सेम बिहार का सिलेबस भी वही है, कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं सिलेबस में। जो UP का है उसमें 80-20 रेशियो लाया जाता है, मतलब 80 क्वेश्चन नर्सिंग के बाकी 20 नॉन नर्सिंग के, तो उसके रिगार्डिंग भी पेपर आपको चैनल पर ऑलरेडी अपडेटेड हैं। और यदि जो भी लोग ओनली सेपरेटली UP के बस पेपर्स लेना चाहते हैं तो उनको वो पेपर्स भी 16+ क्वेश्चन पेपर, 16 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, वो आपको डायरेक्ट मेरे WhatsApp के थ्रू है जो लेना होंगे। और यदि आप बुक लेते हैं तो आपको किसी भी स्टेट का CHO का एग्ज़ाम देते हो आप या NHM का, तो आपको कोई और मटेरियल स्पेशली क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी स्टेट के अभी तक जो अप्रैल 2024 तक पेपर हुए हैं NHM CHO के, वो सब उस बुक में आपको ऐड करके मिलेंगे। जो लोग बुक डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं तो उनको कोई भी डिलीवरी चार्जेस वगैरह पे नहीं करना होगा, और यदि आप दोनों बुक एक साथ ऑर्डर करते हैं डायरेक्टली तो आपको दोनों बुक्स 850 रुपीज़ में अवेलेबल करवाई जाएंगी, आपके घर तक बुक्स को भिजवाया जाएगा एज यू विश, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो बुक्स को ज़रूर ऑर्डर कीजिए और पढ़िए ज़रूर। अब आप बुक से नहीं पढ़ते हैं, PDF से नहीं पढ़ते हैं, यूट्यूब से नहीं पढ़ते हैं, जैसे भी पढ़ते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट उन सबसे है कि आप लोग पढ़िए ज़रूर। इस साल मे बी 24 और 25 में सबसे ज़्यादा नर्सिंग की वैकेंसी आने वाली हैं, तो आपको उन सब के लिए तैयार रहना होगा। रैमसे स्केल इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ, तो रैमसे स्केल है किसके लिए यूज़ की जाती है, NCS पेशेंट के लिए, सेडेशन वाले के लिए, अराउजल या फिर पेन के लिए। रैमसे स्केल ये क्वेश्चन आपको जिनका रेलवे में एग्ज़ाम है उनके लिए भी पूछा जा सकता है। तो जो रैमसे स्केल है ये यूज़ की जाती है सेडेशन लेवल चेक करने के लिए। रैमसे स्केल किसके लिए, सेडेशन के लिए है जो चेक की यूज़ की जाती है। रैमसे स्केल का जो डेवलपमेंट रैमसे है जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही किया था 1974 में। स्पेशली इसका यूज़ एडल्ट्स में किया जाता है, याद रखें सेडेशन में एडल्ट्स के लिए इसका यूज़ है जो किया जाएगा। पता करने के लिए यहाँ पर जो सेडेशन में क्या होता है, आप हाफ नींद और जो हाफ कॉन्शियस माइंड में रहेंगे वही यहाँ पे आपका चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है किसके लिए, एडल्ट में रैमसे स्केल यूज़ होती है, इसका इस्तेमाल है जो बच्चों में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वन इज
ऑल द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस आर प्रेजेंट एट बर्थ एक्सेप्ट, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ सभी रिफ्लेक्स प्रेजेंट होते हैं किसी एक को छोड़कर, मोरो रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स, पैरासूट रिफ्लेक्स या फिर पाल्मर रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर सभी रिफ्लेक्स कब प्रेजेंट होते हैं, जन्म के समय पर, लेकिन किसी एक को छोड़कर। आप लोग भी यहाँ पे मार्क कीजिए कि कौन सा रिफ्लेक्स है जो नहीं होगा। तो यहाँ पर जो मोरो, सकिंग, सकिंग मतलब जब बच्चा फीड करते हैं उस टाइम का, पामर, तो ये सब रहेंगे। लेकिन जो पैरासूट रिफ्लेक्स है जनरली बच्चों में डेवलप होता है कब, जब बच्चे पोस्टल रिफ्लेक्स के तौर पे भी आप इसको जान सकते हैं, जब बच्चे की उम्र आफ्टर द 8 मंथ से ज़्यादा की हो। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि स्टार्ट कब होते हैं, 8 to 9 मंथ की उम्र के बाद। तो यहाँ पर एट द टाइम ऑफ बर्थ का पूछा है कि सब हैं किसी एक को छोड़कर, तो क्या होगा, पैरासूट रिफ्लेक्सेस। नेक्स्ट वन, पार्कलैंड फॉर्मूला फॉर फ्लूड कैलकुलेशन इन बर्न पेशेंट। एक और आपके लिए आज गुड न्यूज है कि जिनका भी नॉर्सेट के लिए पेपर होने वाला है उनके लिए सभी नॉर्सेट प्लस एम्स के पेपर हैं जो अवेलेबल हैं, इतने कम अमाउंट में। तो यहाँ पे अमाउंट स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, इतने कम अमाउंट में आपको ऑल इंडिया एम्स के पेपर्स में भी आपको 15-16 से ज़्यादा पेपर्स होंगे, साथ में यहाँ पे आपको नॉर्सेट का पेपर्स भी अवेलेबल होगा। तो जिनका भी अपकमिंग टाइम में पेपर होने वाला है आफ्टर 14 डेज बाद, तो उनके लिए पेपर बहुत हेल्पफुल होंगे, स्पेशली जो प्री लिखने वाले हों। प्री के बाद आपका मेंस का अलग से एग्ज़ाम होता है, तो आपके लिए पेपर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन पेपर्स को ले सकते हैं। तो जो पार्कलैंड फार्मूला है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, सबको पता है कि बर्न पेशेंट में यूज होता है, लेकिन यहाँ पर इसका जो कैलकुलेशन है वो क्या होगा करें। फर्स्ट में 4 ml इंटू BSA मतलब बॉडी सरफेस एरिया इंटू वेट, या फिर 3 ml, 2 ml या 1 ml, क्या यहाँ पर करेक्ट है जो होगा आपका पार्कलैंड फार्मूला में। जो फ्लूड यहाँ पे क्या करना होता है, ट्रांसफ्यूज करना होता है, क्या है जो फ्लूड ट्रांसफ्यूज करना होता है पार्कलैंड फार्मूला में, तो यहाँ पे क्या होता है 4 ml पर kg पर परसेंट। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, 4 ml से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आपका यही होगा करेक्ट, क्या होता है 4 ml पर kg पर परसेंट, kg परसेंट। यहाँ पर कितने परसेंट बॉडी बर्न हुई है, जो TBSA, जो BSA है मतलब TBSA, टोटल बॉडी सरफेस एरिया, क्या है टोटल बॉडी सरफेस एरिया, और यहाँ पर वेट, क्या है आपका वेट होगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो रिंगर लैक्टेट यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी केस में क्या किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है, पूछा जा सकता है RL 4 ml इंटू परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस, यहाँ पे ऐड नहीं है, मैंने ऐड कर दिया, टोटल बॉडी परसेंटेज है जो यहाँ पर TBSA भी लिख के आ सकता है, इंटू वेट, वेट किस में, किलोग्राम में पूछेंगे आपसे, किसमें, kg में। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, टॉक्सिसिटी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन में कॉज अ क्लाइंट टू सी अ ग्रीन हैलो अराउंड स्लाइड। तो कौन सी मेडिकेशन लेने के बाद पेशेंट को ग्रीन हैलो, जो लाइट के चारों तरफ है जो हरा हरा देखने को मिलेगा, वो किस मेडिकेशन के साइड इफेक्ट से होगा, डिगोक्सिन के, फ्रूसेमाइड, मेटोप्लोरोलॉल या फिर एनाल्प्रिल, किसके कारण ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। ग्रीन हैलो अराउंड द लाइट्स, ये होगा जनरली किसके कारण, डिगोक्सिन टॉक्सिसिटी के कारण। यदि डिगोक्सिन जो कि डिजिटालिस एजेंट है, जब भी हार्ट रेट बिलो 60 हो, क्या हो, बिलो 60 हो, तो यहाँ पे डिगोक्सिन नहीं देते हैं। पल्स रेट और हार्ट रेट कितनी हो, बिलो 60 है तो नहीं दी जाती है। अब यदि डिगोक्सिन की टॉक्सिसिटी होती है तो रिंगिंग सेंसेशन कान में फील होगा आपको, आँखों से दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर यदि आँखों से दिखाई भी दे रहा है तो ग्रीन हैलो लाइट के चारों तरफ दिखाई दे रहा है वो होगा किसके कारण, डिगोक्सिन के कारण। नेक्स्ट वन इज, विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया। तो कौन सा जो देश की बॉर्डर है भारत की बॉर्डर से सबसे लंबी दूरी तक शेयर करेगी, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर नेपाल, कौन से देश की बॉर्डर सबसे ज़्यादा लंबी है, तो वो है बांग्लादेश की। किसकी,
बांग्लादेश की। नाउ डेज बांग्लादेश से यदि क्वेश्चन आपको आए तो वहां की जो प्रधानमंत्री है हसीना, वो अभी इंडिया आई हुई थी बीच में, तो वहां से जो भी उपद्रव वहां पे हुए उससे रिलेट करते क्वेश्चन आपको एक आध आ सकता है। नेक्स्ट वन, ऑल आर फीचर्स इंडिकेटिव फिजियोलॉजिकल ज्वाइंटिस ऑफ अ न्यूबॉर्न एक्सेप्ट। फिजियोलॉजिकल ज्वाइंटिस के सभी लक्षण है किसी एक को छोड़कर। इट अपियर्स बिफोर अटेनिंग आवर्स ऑफ एज। इट फैड्स बाय सेवेंथ डे ऑफ लाइफ। इट पीक्स बाय थर्ड डे ऑफ लाइफ। इट अपियर्स अटेनिंग 24 आवर ऑफ एज। तो सब कुछ सही है किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर जनरली जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस क्या होगा, आरबीसी, पहले तो माँ के सर्कुलेशन से बच्चे को ब्लड की सप्लाई होती गई। जब बच्चा होता है तो जो आरबीसी का इतने फास्ट तरीके से डिस्ट्रक्शन होता है उसी के कारण बच्चे को जॉइंटिस होता है। अब यहाँ पर जॉइंटिस जो फिजियोलॉजी, एक होता है पैथोलॉजिकल, मतलब इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है बच्चे को उसके कारण, जो कि एज सून एज आफ्टर बर्थ के विजिबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि फिजियोलॉजिकल की बात करें हम, तो यहाँ पर 7वें दिन तो ये अपने आप चला जाएगा और बच्चे की उम्र के 24 घंटे के बाद ही ये देखने को मिलेगा। इनिशियल टाइम में नहीं होगा। थर्ड डे में पीक पे पहुंचेगा। 7वें दिन या 10वें दिन तक ये अपने आप फेड अप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बिफोर अटेनिंग आवर ऑफ एज, मतलब जन्म के पहले ही ये होते आ रहा है, मतलब जैसे ही बच्चा हुआ और हो गया, तो ये नहीं ये होगा पैथोलॉजिकल के कारण। इसके कारण तो होगा पैथोलॉजिकल के कारण। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, व्हेन द पेशेंट वॉमिट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट। यदि पेशेंट वॉमिट कर रहा है तो यहाँ पर आपका नर्सिंग एक्शन है जो क्या होगा, रप्चर ऑफ सूचर लाइन, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, डिहाइड्रेशन या फिर एस्पिरेशन, क्या होगा यहाँ पर आपका, क्या होगी, वॉमिटिंग होगी या डायरिया वगैरह होगा। तो आपकी जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें पेशेंट को डिहाइड्रेट होने से क्या करना है, प्रिवेंट करना है। किससे, डिहाइड्रेशन से यहाँ पे आपको प्रिवेंट करना है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर रिस्पॉन्स फ्रॉम रिसीवर टू सेंडर। तो यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस से क्वेश्चन है कि जब कोई मैसेज आपका रिसीव कर ले, रिसीव करने के बाद आफ्टर दैट आप सेंडर जिसने आपको मैसेज भेजा है, लेट्स से मैंने आपको हेलो भेजा, मैंने आपको हेलो भेजा, आपने मुझे रिस्पॉन्ड किया, देन अगेन मैंने आपको कुछ है जो कॉम्प्लीमेंट दिया है, थैंक यू बोला, तो वो क्या कहलाएगा, आपका मैसेज, कॉन्टेक्स्ट, फीडबैक या फिर स्टिमुलस, क्या कहलाएगा, ये कहलाता है क्या, फीडबैक, क्या होगा, फीडबैक। नेक्स्ट वन, फ्लूड ओवरलोड ऑफ अ पेशेंट कॉसेस। तो फ्लूड ओवरलोड के कारण मरीज को क्या हो सकता है, एंजियोएडिमा, पल्मोनरी एडिमा, सेरिब्रल एडिमा या फिर एनासार्का, क्या डेवलप होने के चांसेस होंगे यदि फ्लूड ओवरलोड हो जाए। तब क्या है, फ्लूड ओवरलोड होता है तो यहाँ पर क्या होने के चांसेस हो सकते हैं, फ्लूड ओवरलोड जिसको हम क्या कह सकते हैं, हाइपरवोलेमिया, क्या कहेंगे, हाइपरवोलेमिया। यहाँ पर हाइपरवोलेमिया फ्लूड ओवरलोड होता है तो पर्सन को पल्मोनरी एडिमा होने के चांसेस होंगे। किसके, पल्मोनरी एडिमा होने के चांसेस होंगे पर्सन के लिए, मतलब कि लंग्स में फ्लूड भरना स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट वन, फाइंड द वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड लायन एंड टाइगर। तो यहाँ पर लायन और टाइगर दिए गए हैं। अब यहाँ पे इनके लिए एक वर्ड बताना है कि ये कार्निवोर है, इंसेक्टिवोर है, हर्बीवोर है कि ओमनीवोर है, क्या है, क्या है और हम क्या हैं, इंसान क्या है और ये यहाँ पर जो बताए गए हैं ये क्या है। तो ये यहाँ पर जो बताए गए हैं लायन और टाइगर, ये हरी घास फूस तो खाते नहीं है, सबको पता है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे क्या, कार्निवोर, जो कि एनिमल्स को ही खाएंगे। कार्निवोर का मतलब होता है एनिमल्स को खाने वाले, वो क्या होंगे, कार्निवोर। इंसेक्टिवोर जो इंसेक्ट वगैरह खाते हैं, जैसे मेंढक वगैरह हो गए। अब यहाँ पर आता है हर्बीवोर, हर्बीवोर में आपका आ जाएगा रैबिट, गॉट, हॉर्स, काउ, डियर, ये सब होंगे यदि पूछ लें आपको। तो ओमनीवोर में क्या होते हैं कि जो प्लांट्स भी खा लेंगे और एनिमल्स को भी खा लेंगे, जैसे फॉक्स हो गया, भालू हो गया आपका, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे ओमनीवोर। तो याद रखना आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपको स्पेशली रेलवे एग्जाम में आते हैं। तो यदि ओमनीवोर पूछे तो जो दोनों को खा लेंगे, घास फूस भी खा लेंगे और एनिमल्स को भी खा लेंगे, कार्निवोर
कार्निवोर पूछे हैं तो ओनली एनिमल्स को खाएंगे जो मांस खाते हैं। अब यहाँ पर हर्बीवोर मतलब कि जो हरी चीजों को बस खाते हैं, हर से याद रखना है, ग्रीनरी मतलब पत्ते, ओनली वेजिटेरियन टाइप। नेक्स्ट वन इज ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर हाउ मेनी आवर। एक क्वेश्चन भी बहुत आता है नर्सिंग में कि जो ब्रेस्ट मिल्क को यदि एक्सप्रेस करके रखा जाए तो कितने घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं, 2, 4, 6 या फिर 8। यहाँ पर सिंपल सा आंसर है आपका, 4 घंटे के लिए बस, कितना, ओनली फॉर 4 आवर। नेक्स्ट वन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज पीपीएच का मेन रीजन क्या है। कई बार पढ़ा है हमने, और ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपको नर्सिंग ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि जिन लोग को लगता है कि नहीं क्वेश्चन एग्जाम में इतने इजी आते हैं या नहीं आते हैं, तो मैं बता दूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, और ये ऑफिशियल पेपर ही है बिना किसी मॉडिफिकेशन के। पीपीएच का मेन रीजन पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब होता क्या है कि आफ्टर डिलीवरी के बाद से लेके, आफ्टर डिलीवरी के बाद से लेके 500 ml, यदि नॉर्मल वजाइन डिलीवरी है तो मोर देन 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो वो कंडीशन कहलाती है क्या, पोस्टपार्टम हेमरेज। आफ्टर प्लेसेंटा एक्सपल्सन से लेके 6 वीक तक का जो ड्यूरेशन है तो क्या कहलाएगा, पोस्टपार्टम हेमरेज, यदि 500 ml से ज़्यादा ब्लड का लॉस हो गया। रिटेंड प्लेसेंटा का मतलब होता है कि प्लेसेंटा के कुछ बिट्स, कुछ पार्ट अंदर ही यूट्रस में रह गए हों। पुअर मैटरनल एफर्ट का मतलब है कि जो पुसिंग टाइम होता है वो माँ के अंदर उतनी क्षमता ना बची हो। अटोनिक यूट्रस का मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्शन आते जाएंगे यदि, तो जो भी अंदर मटेरियल है वो बाहर आएगा, लेकिन यहाँ पर यूट्रस की जो टोन है वो खो जाए तो वो भी हो सकता है। लैक ऑफ स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट, मतलब जहाँ पे आपकी डिलीवरी हो रही है वहाँ पे उतनी प्रॉपर सुविधाएं, या फिर हमें कह सकते हैं कि जो अटेंडर है आपके प्रॉपर ट्रेंड नहीं है। लेकिन पीपीएच के लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल रीजन होता है वो होती है अटोनोसिटी ऑफ द यूट्रस, मतलब यूट्रस की जो मसल टोन है या तो वीक हो गई है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, तब यहाँ पर दिया जाता है ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर ऑक्सीटोसिन। क्या दिया जाएगा, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर किया जाता है कि यूट्रस में भाई प्रॉपर से कॉन्ट्रैक्शन आ और पीपीएच की कंडीशन को मैनेज किया जाए। तो यहाँ पर पीपीएच का मेन रीजन क्या होता है, अटोनोसिटी ऑफ द यूट्रस। नेक्स्ट वन इज विच इंस्ट्रक्शन इज गिवन टू द पेशेंट वाइल रिमूविंग चेस्ट ट्यूब, यदि पेशेंट की चेस्ट ट्यूब रिमूव की जानी है तो क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। डीप ब्रीथ, एक्सेल एंड बियर डाउन, होल्ड ब्रीथ, परफॉर्म पर्स लिप ब्रीदिंग, लाई डाउन कामली। क्या यहाँ पे किया जाएगा, क्या यहाँ पे है जो किया जाएगा यदि मरीज की चेस्ट ट्यूब को क्या करना है, रिमूव किया जाना है, तब यदि किसी पेशेंट की चेस्ट ट्यूब को रिमूव किया जाना है तो यहाँ पे क्या किया जाएगा। आप लोग भी यहाँ पे मार्क कीजिए अपना आंसर। तो यहाँ पर यदि किसी पर्सन की चेस्ट ट्यूब क्या किया जाना है, रिमूव किया जाना है, तो यहाँ पर उसको क्या कहा जाएगा, लंबी गहरी सांस लीजिए, एक्सेल कीजिए और बियर डाउन, तो रोक के रखिए। तो यहाँ पर एक क्या है, चेस्ट ट्यूब रिमूव करने के दौरान इंस्ट्रक्शन मरीज को दिए जाएंगे। अगले क्वेश्चन में आपको एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, यहाँ पे आपको ऑप्शन में स्टैंडर्डाइज्ड रेट्स, एजेंट होस्ट एनवायरमेंट, रेट रेशियो प्रोपोर्शन, इंसिडेंस प्रेवलेंस एंड ट्रेंड्स ऑफ डिसीज, क्या होगा यहाँ पे आपका आंसर। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, एजेंट होस्ट एनवायरमेंट है, आपका ट्रायंगल हो गया एपिडेमियोलॉजिकल का, तो यहाँ पे आपका एजेंट होस्ट एंड एनवायरमेंट, क्लियर है, बहुत एग्जाम में आता है। नेक्स्ट वन, गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके गार्जियन कौन है। ऑप्शन में है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन है यहाँ पर, होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका साइकोलॉजी का क्वेश्चन कि किसने कहा था कि मैन है जो सोशल एनिमल है, मैन इज अ सोशल एनिमल, हु सेड सो, कार्ल मार्क्स, एरिस्टोटल, फोटो या फिर कार्नेट, किसने कहा था ये। तो ये कहा था भाई एरिस्टोटल ने कि जो ह्यूमन है, मैन है, क्या है, सोशल एनिमल है। नेक्स्ट वन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा का एग्जाम्पल यहाँ पर कौन सा है,
फीलिंग ऑफ वरी, डिसकलरेशन ऑफ द स्किन, ईचिंग या फिर नोजिया। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ऑब्जर्व कर रहे हैं आप जो भी चीज़ें, क्या है ऑब्जर्व कर रहे हैं आप जो भी चीज़ें, तो जो चिंता हो रही है तो वो पेशेंट को होगी वो बताएगा, खुजली होगी तो वो बताएगा, नोजिया हो रहा है मतलब फीलिंग वॉमिटिंग काइंड ऑफ फील कर रहा है तो वो ये चीज़ें बताएगा, वो आपको नहीं दिखेंगी, लेकिन स्किन का कलर जो बदल रहा है वो आप चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो हेयर इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डिसकलरेशन ऑफ द स्किन। नेक्स्ट वन, पैलिएटिव सर्जरी इज डन। तो पैलिएटिव सर्जरी किसके लिए की जाती है? टू इम्प्रूव सेल्फ कॉन्सेप्ट, टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ इलनेस, टू कन्फर्म द डायग्नोसिस या फिर टू रिमूव द डिसीजेस। किसके लिए किया जाएगा ये? तो ये होता है इंटेंसिटी ऑफ इलनेस को कम करने के लिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए नहीं, ना डायग्नोस के लिए, ना डिसीज को रिमूव करने के लिए किया जाता है, कि डिसीज की जो इंटेंसिटी है, किसी भी बीमारी की जो इंटेंसिटी है इलनेस की, उसको कम करना। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो यहाँ पर पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए क्या इस्तेमाल किया जाए? किल्ड वैक्सीन, ह्यूमन एंड एनिमल सेरा, टॉक्सॉइड या फिर लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, क्या यूज किया जाएगा? तो यहाँ पर पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए जो यूज होगा वो क्या होगा? ह्यूमन एंड एनिमल सेरा। क्या है? ह्यूमन एंड एनिमल सेरा। नेक्स्ट इज द सिनोनिम ऑफ कॉन्सिएटेड इज। तो यहाँ पर सिनोनिम्स क्या होगा कॉन्सिएटेड का? तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में, सॉरी एग्जाम में, स्पेशली रेलवे में एक क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर सिनोनिम्स का मतलब हिंदी में हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द, मतलब इससे मिलता जुलता हुआ शब्द। तो यहाँ पर कॉन्सिएटेड क्या है? कॉन्सिएटेड का मतलब होता है एक प्राउड फील करना। क्या करना? जस्ट लाइक किसी भी चीज़ के ऊपर आपको गर्व होना, वो कहलाएगा यहाँ पर। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? प्राउड, काइंड ऑफ प्राउड फीलिंग। कॉन्सिएटेड का मतलब क्या होता है? प्राउड फीलिंग। नेक्स्ट वन, व्हाइल इंस्टिलिंग ईयर ड्रॉप्स द ईयर कैनाल ऑफ एन एडल्ट इज स्टेंटेड बाय द पुटिंग द पिन्ना। ये देखिए, कान में यदि मेडिकेशन आप डालते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? इंस्टिलेशन। दो चीजें यहाँ पे याद रखना है, कान में मेडिकेशन डालने को क्या कहते हैं, उसको क्या कहेंगे हम? ड्रॉप डाल रहे हैं आप ईयर ड्रॉप, उसको कहते हैं इंस्टॉलेशन। अब यहाँ पर एडल्ट में कहा गया है कि मेडिकेशन जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं, पिन्ना को किस तरीके से पकड़ेंगे? डाउन एंड बैकवर्ड, अप एंड बैकवर्ड, स्ट्रेट डाउन या फिर स्ट्रेट बैक, किस तरीके से आप पिन्ना को होल्ड करेंगे? यदि जब भी बच्चों की बात करें, यहाँ पे देखिए चिल्ड्रंस में पूछें, तो हमेशा आपको क्या कहना है? अप एंड बैक। क्या कहना है बच्चों में कहें तो? अप एंड बैक, यू भी याद रखें सिंपली, अप एंड बैक। सॉरी, यदि बच्चों में बात कर रहे हैं तो आपको क्या कहना है? डाउन एंड बैक, पहले नीचे को खींचना है फिर ऊपर को खींचना है। लेकिन जब बड़ों में यदि आप मेडिकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं तब आपको क्या करना होगा? पहले अप एंड देन आफ्टर द बैक। सॉरी फॉर दैट, आपका जो आंसर होगा वो होगा अप एंड बैक फॉर एडल्ट। यदि बच्चों में बात करें हम तो वो होगा डाउन एंड बैक। याद रखें आपको ये चीज़ एग्जाम में आ सकती है। मैं यहाँ पे आपको फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ, इसका रीज़न क्या होता है कि जो बच्चों में ईयर डेवलपमेंट होता है वही यहाँ पर ईयर कैनाल उतना बनी तो पूरी प्रॉपर रहेगी, लेकिन जो डेवलपमेंट के कारण यहाँ पे इस तरीके से होल्ड किया जाता है। मोस्ट ऑफ दी 6 से 7 साल तक के बच्चों का यदि पूछें तो सेम यहाँ पे यूज़ करना है। बच्चों में पहले नीचे की तरफ पिन्ना खींचना है, देन आफ्टर पीछे की तरफ, लेकिन एडल्ट्स में पहले अप एंड देन बैक, क्योंकि इनमें ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका होता है इसलिए। नेक्स्ट वन है, डू नो हार्म इज विच एथिकल प्रिंसिपल। तो यहाँ पर एक कौन सा एथिकल प्रिंसिपल है जिसमें किसी को हार्म नहीं पहुँचाना है? वेरासिटी, बेनिफिशियंस, नॉन मालफिशियंस या फिर जस्टिस, क्या कहलाए गए? डू नो हार्म मतलब ये होता है नॉन मालफिशियंस, किसी को नुकसान पहुँचा रहे हैं तो वह मालफिशियंस, यदि किसी को नहीं पहुंचा रहा है तो क्या होगा? नॉन मालफिशियंस। नेक्स्ट वन, आ इज एन एलिवेशन ऑफ स्किन फिल्ड विथ फ्लूड एंड इज लेस देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो यहाँ पर एक यहाँ आपको टर्म बताना है कि वो क्या कहलाएगा, कि स्किन के अंदर फ्लूड फिल्ड होगा, वो लेस देन 1 सेंटीमीटर डायमीटर का होगा और स्किन उठी उठी दिखेगी, वो क्या है? व्हील।
वेसिकल, पेप्यूल या फिर मैक्यूल क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है, बहुत ही सिंपल है, क्या है? वेसिकल। क्या होगा? वेसिकल। यहाँ पर दो और ऑप्शन है, क्या है? पेप्यूल एंड मैक्यूल। क्या है? पेप्यूल। पेप्यूल एंड मैक्यूल। पेप्यूल में होता क्या है कि स्मॉल होंगे, बम्प होगा स्किन पर, लेकिन इनमें है जो फ्लूड वगैरह है जो उतना नहीं होगा, ये सॉलिड होते हैं। कैसे होंगे? सॉलिड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और यहाँ पर जो एक और टर्म है, तो पेप्यूल कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, उनमें फ्लूड नहीं होगा। और यदि वेसिकल की बात करें हम, तो इसमें क्या होगा? फ्लूड होगा। मैक्यूल का मतलब होता है स्किन का डिस्कलरेशन। क्या होगा? स्किन का डिस्कलरेशन होना। याद रखें, पेप्यूल में सॉलिड स्किन बम्प होगा, मैक्यूल में स्किन का डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, कलर चेंज होगा स्किन का। क्लियर? नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर विटामिन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन एक्सेप्ट। तो बच्चों में सभी विटामिन की कमी के कारण होने वाली समस्याएं हैं, किसी एक को छोड़कर, रिकेट्स या सिर्फ विटामिन डी की कमी से होगा, सिंपल गोइटर, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या फिर बायटॉट स्पॉट। कौन सा है जो विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण नहीं होगा बच्चों में? रिकेट्स, सिंपल गोइटर, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या फिर बायटॉट स्पॉट, क्या नहीं होगा? तो रिकेट्स विटामिन ए डी से होगा, बायटॉट स्पॉट होगा ए की कमी से, यहाँ पर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। बच्चों में रेयरली है जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। क्या है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है, और रेड ब्लड सेल का एक तरीके का डिफेक्ट भी है। क्या है? रेड ब्लड सेल का एक डिफेक्ट भी है। लेकिन यहाँ पर विटामिन डेफिशिएंसी का पूछा है कि कौन सी नहीं है, तो होगा गोइटर। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कभी कभी B12 की कमी के कारण हो जाता है, B12 की कमी से, लेकिन सिंपल गोइटर है जो आयोडीन की डेफिशिएंसी से होगा, तो विटामिन में कंसीडर आपकी नहीं होगी। नेक्स्ट वन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बताइए, 25th का। अगले क्वेश्चन में आपको WHO ORS पैकेट कंटेन द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो ORS है उसमें सब कुछ है, किसी एक को छोड़कर। सोडियम क्लोराइड मतलब यहाँ पर NaCl, पोटेशियम क्लोराइड दैट मीन्स KCl, सोडियम नाइट्रेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या है जो नहीं होगा? तो वो होगा यहाँ पर आपका NaCl होगा, KCl होगा, सोडियम सिट्रेट होगा, लेकिन सोडियम बाई कार्बोनेट यहाँ पे नहीं होगा। WHO का जो ORS एचिट है इसमें KCl है जो, सॉरी, सोडियम बाई कार्बोनेट नहीं होगा। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट्स कंडीशन इज बिकमिंग स्टेबलाइज आफ्टर एन एपिसोड ऑफ सब्सटेंस इंड्यूस्ड डेलीरियम ड्यूरिंग द इनिशियल रिकवरी पीरियड। द नर्स शुड असिस्ट द क्लाइंट फॉर विच साइको सोशल हेल्थ प्रॉब्लम। इफ अ ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग इज 120/80 mm ऑफ Hg एंड द पल्स प्रेशर वैल्यू। यहाँ पर पल्स प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे जब BP यहाँ पे नॉर्मल बताया गया है? क्या है? BP नॉर्मल है, तो पल्स प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे? पल्स प्रेशर कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, जो अपर रीडिंग होती है उसमें से लोअर रीडिंग को माइनस कर देना। क्या है? अपर रीडिंग में से लोअर रीडिंग को माइनस करना, मतलब कि डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक मतलब कि अपर रीडिंग, और 120 माइनस डायस्टोलिक मतलब कि 80, जो पल्स प्रेशर निकल के आएगा वो कितना निकलेगा? 40, 40। अब इस तरीके से आपको BP की रेंज कुछ भी दी जा सकती है, या फिर डिफरेंटली दे देंगे कि सिस्टोलिक ए है, डायस्टोलिक ए है। अब आपको फॉर्मूला एक ही लगाना है, सिस्टोलिक BP माइनस डायस्टोलिक BP इक्वल टू पल्स प्रेशर। नेक्स्ट इज, ही शोड मच अफेक्शन मी व्हेन आई मेट हिम रिसेंटली। अब यहाँ पर फिर से आपको फिल इन द ब्लैंक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? फॉर, टू, विथ या फिर टूवर्ड्स, क्या आपका आंसर होगा? तो यहाँ पर सिंपल सा ही है, ही शोड मच अफेक्शन टू मी व्हेन आई मेट हिम डायरेक्टली। नेक्स्ट वन,
रेस्क्यूअर शुड कंप्लीट हाउ मेनी साइकिल ऑफ चेस्ट कंप्रेशन ब्रीदिंग इन 2 मिनट। रेस्क्यूअर को कितनी साइकिल कंप्लीट करनी है 2 मिनट में, 3, 4, 5 या फिर 6? कितनी करेगा, कितनी साइकिल है जो कंप्लीट करनी है? तो वो होंगी टोटल यहाँ पर 5। कितनी होंगी, 5। नेक्स्ट है जीरो इंसिडेंस। जीरो इंसिडेंस का मतलब क्या होगा भाई? एलिमिनेशन ऑफ डिसीज, एरेडिकेशन ऑफ डिसीज, एलिमिनेशन ऑफ इन्फेक्शन या फिर एरेडिकेशन ऑफ इन्फेक्शन। तो यहाँ पर जीरो इंसिडेंस का मतलब है कि कोई भी डिसीज को एलिमिनेट कर देना। क्या है, एलिमिनेट कर देना। और एलिमिनेशन ऑफ द डिसीज क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ द डिसीज। एरेडिकेशन का मतलब तो है कि 2-3 सालों का एक भी केस नहीं आया था, वे एरेडिकेट कहेंगे हम। एलिमिनेशन का मतलब है कि उस टाइम पर प्रेजेंट में कोई भी केसेस नहीं आए हैं। नेक्स्ट वन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल गोल फॉर अ क्लाइंट डायग्नोस्ड विथ बुलिमिया इज अ। बुलिमिया क्या है, एक ईटिंग डिसऑर्डर। मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल गोल क्या होगा यदि आपके पेशेंट को बुलिमिया डायग्नोस हुआ है तब? कंट्रोल ईटिंग इम्पल्सेस, ईट ओनली 3 मील्स अ डे, आइडेंटिफाई एंजाइटी कॉजिंग सिचुएशन एंड अवॉइड शॉपिंग फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। क्या आप यहाँ पे है जो फाइंड आउट करेंगे? बुलिमिया की कंडीशन तो ऐसा तो है नहीं कि किसी को चलते फिरते प्रॉब्लम हो जाए। एक तरीके से एंजाइटी है, डर है, स्ट्रेस के कारण। आपने देखा होगा स्ट्रेस ईटिंग, आपने नाम सुना होगा। नॉर्मल बुलिमिया सबको पता नहीं होता है। स्ट्रेस में बहुत सारे लोग मूवीज वगैरह में तो आप लोग खूब देखा होगा, केक उठा के खाने लगते, पेस्ट्री खाने लगते हैं। बट बुलिमिया नर्वोसा की कंडीशन में क्या होगा कि पर्सन एंजाइटी के कारण खाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका एक्शन पूछा है तो वो होगा कि आपको पता करना है सिचुएशन कब उसको इस तरीके से एंजाइटी हो रही है कि वो ये खाना पीना स्टार्ट कर देता है। तो एज अ नर्स आपको उसको 3 मील्स पर डे, ईटिंग इम्पल्सेस ये सब बताएंगे। लेकिन आपका जो इनिशियल गोल होगा स्टार्टिंग में, पहले तो जड़ पता करेंगे कि ये जो अचानक से इतना ज़्यादा वाइन ईटिंग क्यों कर रहे हैं। मतलब पहले आपको रूट कॉज पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन है बटरफ्लाई रेसेस इज अ क्लासिक सिम्टम ऑफ। बटरफ्लाई रेसेस भी हमने बहुत पढ़े हैं। किसमें देखने को मिलेंगे, पैकेट्स, रूमेटॉइड, ऑस्टियोसारकोमा या फिर लूपस एरिथ्रोमेटस। बटरफ्लाई रेसेस का मतलब है दोनों चीक्स के इधर, नोज के ऊपर, नेजल ब्रिज पे, फोरहेड पे, मोस्ट ऑफ दी दोनों चीक्स और नेजल ब्रिज पर है जो रेड कलर के रेसेस आने लगते हैं, और ये होते हैं सीरस लूपस एरिथ्रोमेटस में। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। SLE भी आप यहाँ पे इसको कह सकते हैं, लूपस एरिथ्रोमेटस या फिर SLE। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। एक क्वेश्चन भी आई थिंक राजस्थान एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट, KB, बाइट या फिर निबल। क्या है सबसे छोटी, तो होती है बिट। क्या है, बिट, या जिसको आप बाइट भी, बिट है देन आफ्टर बाइट। नेक्स्ट वन, फॉर अ क्लाइंट इन लेबर हु इज रिसीविंग पिटोसिन बाय IV इन्फ्यूजन टू स्टिमुलेट यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड इंडिकेट द इन्फ्यूजन नीड्स टू बी डिसकंटिन्यू। यदि पिटोसिन दिया जा रहा है किसी लेबर वाले क्लाइंट को यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए, किसके लिए, यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए, यदि किसी क्लाइंट को पिटोसिन मतलब कि ऑक्सीटोसिन दिया जा रहा है, तो आपका कौन सा असेसमेंट बताएगा कि जो IV रूट के थ्रू पिटोसिन दिया जा रहा है उसको हमें तुरंतली स्टॉप करना है, नीड डिसकंटिन्यू। इंक्रीज यूरिन आउटपुट, एडिक्वेट रेस्टिंग टोन ऑफ द यूट्रस, फीटल हार्ट रेट ऑफ 90 बीट पर मिनट, 3 कॉन्ट्रैक्शन अकरिंग विद इन 10 मिनट्स पीरियड। कब आपको तुरंत स्टॉप करना है? तो IV पिटोसिन आप दे रहे हैं तो यहाँ पर बच्चे की जो फीटल हार्ट रेट है 90 बीट पर मिनट आ रही है, तो इसको आपको तुरंत स्टॉप करना है। बच्चे को रेस्पिरेटरी IDS की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है, एक एज ए साइड इफेक्ट के तौर पे आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको कब स्टॉप करना है, जब बच्चे की जो फीटल हार्ट रेट है, क्या है, फीटल हार्ट रेट है जो यहाँ पे क्या हो जाए, फीटल हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रॉस सिंड्रोम की समस्या डेवलप होने लगे, मतलब 90 से भी कम चली जाए पर मिनट से भी FHR, तो हमें क्या करना है उस टाइम पे, पिटोसिन को इमीडिएटली स्टॉप करना होगा। नेक्स्ट वन,
ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉमन प्रेग्नेंट वुमेन इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही है मतलब कि सेकेंड ट्राइमेस्टर है, तो यहाँ पर सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या है जो कॉमन देखने को मिलेगा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मास्टाइटिस या फिर फिजियोलॉजिक एनीमिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है फिजियोलॉजिकल एनीमिया। क्या है? फिजियोलॉजिकल एनीमिया। नेक्स्ट वन द रेस्पिरेट सॉरी द प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन फॉर अपगार स्कोरिंग। तो अपगार स्कोर में जो हम पांच चीज़ें चेक करते हैं, तो प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन क्या है? रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, प्रेजेंस ऑफ मेकोनियम या फिर एवोल्यूशन ऑफ मोरो रिफ्लेक्स। क्या होगा? तो फर्स्ट यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी होगी हार्ट रेट। क्या होगी? हार्ट रेट। नेक्स्ट वन अ न्यूनेट ऑफ मदर विथ डायबिटिक इज एट रिस्क फॉर व्हाट कॉम्प्लिकेशन। ये देखिए भी हम बहुत पढ़ते हैं, यदि माँ डायबिटिक है तो जो बच्चा है उसको क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? एनीमिया होगा, नाइट्रोजन लॉस होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा या फिर थ्रोम्बोसिस होगा। तो यदि माँ डायबिटिक है तो जो अपकमिंग न्यूबोर्न या न्यूनेट है उसको हाइपोग्लाइसीमिया होने का रिस्क सबसे ज़्यादा होगा, या फिर लार्ज साइज का बच्चा हो सकता है, मैक्रोसोमिक बेबी हो सकता है। नेक्स्ट वन गवर्नमेंट हैज सेट अप अ कोर्ट इंक्वायरी इन असर्शन द फैक्ट। इसमें भी आपको पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। फोर ऑफ अब आउट ऑन क्या आएगा यहाँ पे आपका? तो यहाँ पे आपका आएगा ऑफ। गवर्नमेंट हैज सेट अप अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी टू असर्शन द फैक्ट्स। नेक्स्ट आपको ड्रग कैलकुलेट करना है। ये मैं आप पे है जो क्वेश्चन को छोड़ती हूँ, क्वेश्चन नंबर 67, क्योंकि यदि मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर तो बता देती हूँ लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्वेश्चन समझा देती हूँ कि कंटिन्यूस आईवी इन्फ्यूज़न के थ्रू 20 यूनिट पर आवर के हिसाब से देना है क्या इंसुलिन। अब यहाँ पर सॉल्यूशन है 250 ml एनएस है, 100 यूनिट ऑफ रेगुलर इंसुलिन है, तो यहाँ पर इन्फ्यूज़न पंप के थ्रो कितना ml कितने घंटे में डिलीवर होगा, सॉरी कितने ml पर आवर के हिसाब से डिलीवर होगा? तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपका इन दो में से आंसर होगा 45 और 50 में से। क्या है? 45 और 50 में से। नेक्स्ट वन इमीडिएटली आफ्टर बीइंग सेक्सुअली असोल्टेड अ पेशेंट इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट अपीयर्स काम एंड कंट्रोल, दिस बिहेवियर इंडिकेट विच डिफेंस मैकेनिज्म। यदि कोई सेक्सुअली असोल्टेड पर्सन आपके ईआर डिपार्टमेंट में आता है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है, तो वो काम है, वो कंट्रोल्ड है, तो किस तरीके की डिफेंस मैकेनिज्म है? प्रोजेक्शन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, रेशनलाइजेशन या फिर डिनाइल। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि पर्सन सेक्सुअली असोल्टेड है, अब यहाँ पर यदि वो ईआर डिपार्टमेंट लाया जाता है तो कूल एंड काम है, मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब इस तरीके से शो कर रहा है तो डिनाई कर रहा है। डिनाई करना मतलब कि वो उस चीज़ को मान ही नहीं रहा है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। नेक्स्ट वन मल्टीपल पी वेव्स एंड लेस नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स विथ कम्प्लीट डिसोसिएशन ऑफ पी वेव्स टू क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ऑन ई सी जी। तो जो लोग नॉर्सेट का पेपर दे रहे हो उनको ई सी जी स्ट्रिप्स बना के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो ई सी जी स्ट्रिप्स से आपको क्वेश्चन एग्जाम में ये आएंगे कि किस तरीके की ई सी जी यहाँ पर शो हो रही है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक का, किसका? यदि थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है उसके लिए यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट वन अ मेल क्लाइंट इज एडमिटेड टू द सब्सटेंस एब्यूज यूनिट फॉर एल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज नर्सिंग ऑफिसर मोस्ट लाइकली टू एडमिनिस्टर रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एल्कोहल विड्रावल। यदि आपके यहाँ पे कोई मेल क्लाइंट एडमिट किया गया है एल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, अब यहाँ पर उसमें विड्रावल सिम्टम हो रहे हैं। विड्रावल का मतलब आप जो चीज़ खाते पीते हैं उसको सडनली स्टॉप करवा दिया जाए, वही अल्कोहल वाले के साथ होगा, उसकी दारू है जो सडनली स्टॉप कर दी जाए। तो यहाँ पर उन विड्रावल सिम्टम को ट्रीट करने के लिए क्या देंगे आप? हेलोपेरिडॉल, MgSO4, क्लोरडाइजेपॉक्साइड या फिर नैलोक्सोन, कौन सी मेडिकेशन यहाँ पर आप देंगे? यहाँ पर आपने डाइसल्फ्राम पड़ी है कि अल्कोहल डिट्रेंट के तौर पे यूज़ की जाती है,
अब यहाँ पर सबको पता है कि जब सडनली किसी की भी शराब छुड़वा दो तो उसका शरीर है जो क्या करेगा, साइड इफेक्ट शो करेगा, वो साइड इफेक्ट कहलाते हैं क्या, विड्रावल सिम्टम। अब यहाँ पर जो क्लोराइड एपॉक्साइड है ये एंजाइटी को ट्रीट करने वाली ड्रग है। किसको? एंजाइटी को ट्रीट करने वाली ड्रग है। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल एल्कोहल विड्रावल सिम्टम को ट्रीट करने में भी किया जाता है और एक FDA अप्रूव्ड ड्रग है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका क्लोराइड एपॉक्साइड। क्या है क्लोराइड एपॉक्साइड? अभी हाल फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 154 और 151 मेडिकेशन पर जो इमीडिएट इफेक्ट से वैन लगाया है, मतलब कि न बनेगी न बिकेंगी, मार्केट में भी नहीं आएंगी। कुछ उसमें ऐसी ड्रग हैं जो कॉमनली लोग हैं जो यूज़ करते हैं, तो आपको एक बार उनके लिए पढ़ना है। नेक्स्ट वन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम वॉज फर्स्ट लॉन्च बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी इन विच प्लेस। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY स्कीम को लॉन्च कब किया, सॉरी कहाँ पे किया गया था, त्रिवेंद्रम, भुवनेश्वर, रांची या फिर न्यू दिल्ली में? कहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी? इसकी शुरुआत हुई थी रांची से, झारखंड के रांची से। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज़ द आइडियल स्टोरेज कंडीशन फॉर कल्चर मीडिया? जो कल्चर यहाँ पे कलेक्ट किए जाते हैं उनके लिए एक आइडियल स्टोरेज क्या है? वार्म, ह्यूमिड, कूल, रूम टेम्परेचर, कूल ड्राई, कूल एंड डार्क। कल्चर मीडिया के में किया क्या जाता है कि पता किया जाएगा कि यूरिन में या ब्लड में किस तरीके के बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है और किस तरीके से हो रही है, तो उनके लिए क्या चाहिए पड़ता है, ठंडा वातावरण कैसा होना चाहिए, ठंडा और डार्क। नेक्स्ट वन, मोस्ट प्रेफर्ड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट फॉर इन्फेंट। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बच्चों में IM इंजेक्शन कहाँ पर देते हैं? बच्चों में IM इंजेक्शन दिए जाते हैं वास्टस लेटरलिस मसल्स में। कहाँ पे? वास्टस लेटरलिस मसल्स में, विटामिन के, हेपेटाइटिस बी और जितनी भी पेंटावेलेंट वैक्सीन है वो सब कैसे दी जाती है IM, और कौन सी मसल अपनाई जाती है, प्रेफर की जाती है, तो होती है वास्टस लेटरलिस मसल। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इज यूज टू चेक विजन ऑफ अ पेशेंट? तो विजन चेक करने के लिए कौन सा चार्ट यूज किया जाता है, स्नेलन, ज्यान, ठेलन या फिर आई? ये भी बहुत इजी है। तो विजन के लिए, विजन एक्विटी पता करने के लिए स्नेलन चार्ट है जो यूज किया जाता है। यदि कलर ब्लाइंडनेस है, कलर के बीच का डिफरेंस नहीं शो हो रहा है, तब किया जाता है इश्तिहारा चार्ट। कौन सा? इश्तिहारा चार्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर कोलैप्सिंग पल्स? तो कोलैप्सिंग पल्स के लिए क्या वर्ड अपनाया जाएगा, बाउंडिंग, वाटर हैमर, पल्सस एल्ट्रोनस या फिर बाइजेमिनल पल्स? जो टर्म यूज किया जाता है कोलैप्सिंग पल्स के लिए वो होगा आपका वाटर हैमर पल्स। क्या होगा? वाटर हैमर पल्स। नेक्स्ट है, सी इज अ गुड लर्निंग लैंग्वेज। तो किसके लिए है वो, अच्छी किस काम में है? सी इज गुड एट लर्निंग लैंग्वेज। क्या है? गुड एट लर्निंग लैंग्वेज। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू रिलेशन टू वर्जीनिया हेंडरसन थ्योरी? तो वर्जीनिया हैंडरसन की थ्योरी अकॉर्डिंग टू दैट उसके सही क्या है, 14 बेसिक नीड, 8 नर्सिंग इंटरवेंशन, 14 एथिकल प्रिंसिपल या फिर A&B? तो वर्जीनिया हैंडरसन है, मैनेजमेंट में पढ़ा है हमने इनको, साइकोलॉजी में भी पढ़ा है। वर्जीनिया हैंडरसन के अकॉर्डिंग जो 14 बेसिक नीड्स हैं यहाँ पे वो कैलकुलेट की गई हैं। क्या है? 14 बेसिक नीड्स। नेक्स्ट इज ड्यूक्स क्राइटेरिया इज यूज फॉर डायग्नोज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ड्यूक्स क्राइटेरिया किसके लिए यूज किया जाता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, लूपस या फिर सिंड्रोम कोरिया? किसके लिए यूज किया जाता है ड्यूक क्राइटेरिया? ये इस्तेमाल होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में। किसमें? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस मेनली यूज किसमें किया जाता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में। सर्जरी के पहले इसके थ्रू है जो चेक किया जाएगा। विच ग्रीक फिलोसोफर बिलीव दैट नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस? कौन से ग्रीक फिलोसोफर के द्वारा है जो यहाँ पे कहा गया है कि लर्निंग क्या है, कि जो नॉलेज है वो किससे मिलेगा आपको, लर्निंग और एक्सपीरियंस से, सीखने और आपके एक्सपीरियंस से? तो वो कहा था एरिस्टोटल ने। किसने? एरिस्टोटल ने। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर? मेंडेलियन डिसऑर्डर हमने पढ़ा है, जो मेंडल ने मटर पे अपना क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था,
वो है यहाँ पर PKU, फिनाइल कीटोन यूरिया। क्या है? फिनाइल कीटो यूरिया और PKU। नेक्स्ट वन, मिशन इंद्रधनुष वॉज लॉन्च इन विच ईयर? तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। वो कहा गया था कि ऑल चिल्ड्रंस जो 2 साल की एज ग्रुप के, फुली इम्यूनाइजेशन है, जो कवरेज अचीव करना है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय थायराइड ग्लैंड? तो इनमें से थायराइड ग्लैंड क्या कंट्रोल करती है? इमोशन, ग्लूकोज, मेटाबॉलिज्म या फिर एंगर? सबको पता होगा भाई, थायराइड कंट्रोल करती है मेटाबॉलिज्म। IQ रेंज विथ मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड होता है। तो यहाँ पर मॉडरेट MR के लिए रेंज क्या होगी? 35 to 54, ये होती है 35 to 54। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। क्या है? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। द हाइएस्ट फॉस्फोलिपिड कंटेंट इज फाउंड इन, तो हाइएस्ट फॉस्फोलिपिड कंटेंट क्या है? VLDL, HDL, LDL या फिर क्लोरीन माइक्रोन्स, कौन से होंगे? तो होते हैं HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्या है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट वन, कंटिन्यूअस हाई पिच स्क्वीजिंग और म्यूजिकल साउंड कॉज बाय रैपिड वाइब्रेशन ऑफ ब्रोंकियल वॉल इज टर्म्ड एज। कंटिन्यूअस हाई पिच साउंड हो रहा है तो ये किसके कारण हो रहा है? जैसे सीटियाँ बज रही हो, वीजिंग है, स्ट्राइडर क्रैकल्स या फिर रोंचा, ये कौन सा साउंड होगा? तो ये कहलाता है वीजिंग साउंड। कौन सा? वीजिंग साउंड, घंटी बजने टाइप का। और ये जो वीजिंग साउंड है, क्लासिकल साउंड किसका होता है? अस्थमा वाले पेशेंट का। किसके लिए? अस्थमा वाले पर्सन के लिए। अगले क्वेश्चन में है कि यहाँ पे आपको फिर से एक ऑप्शन चूज करना है। द आर्टिस्ट इज क्वाइट पॉपुलर, कहाँ पे होगा? चिल्ड्र इनमें, अमंग, इन बिटवीन या इन टू, कहाँ पे होगा आर्टिस्ट पॉपुलर? ये होता है अमंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज, मिस्टर लाल इज एडमिटेड इन ऑन्कोलॉजी वार्ड विद डायग्नोस ऑफ लंग कैंसर। ऑन एवेल्युएशन इट इज फाउंड दैट इज ट्यूमर साइज इज लेस देन 3 सेंटीमीटर विथ इन्वेजन ऑफ लिम्फ नोड ऑन सेम साइट ऑफ द चेस्ट। वॉट इज द स्टेज ऑफ इज लंग कैंसर एज पर द TNM स्टेजिंग सिस्टम? तो TNM का जो कैंसर के लिए क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू दैट, तो यदि जो ट्यूमर साइज है लेस देन 3 सेंटीमीटर की और लिम्फ नोड और चेस्ट साइड में फैल गया है, तो ये कौन सी स्टेज का होगा? स्टेज 2A, स्टेज 2B, स्टेज 3A या फिर स्टेज 3B? क्या आपका सही आंसर होगा? तो यहाँ पर होगा स्टेज 2A। TNM क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है स्टेज 2A। स्टेजिंग कैंसर होगा जो TNM स्टेजिंग सिस्टम होता है अकॉर्डिंग टू दैट, इसके T0 होगा, फिर T1, T2, T3, T4, फिर N1 और M1। मतलब M1 आ जाए मतलब कि मेटास्टेसिस, वो फर्स्ट तरीके से पूरी बॉडी में फैल रहा है। यदि यहाँ पे शुरुआत होती है किससे? T0 से। किससे होगी? T0 से यदि ये होती है, मतलब यहाँ पर ट्यूमर के कुछ एविडेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर यदि टी इज आ जाए, मतलब कार्सिनोमा इन सीटू। आपने फिजियोलॉजी की, सॉरी पैथोलॉजी की एक बुक में पढ़े हैं पूरा TNM स्टेजिंग। यदि T2 आ जाए, यहाँ पर देखिए स्टेज 2A की बात की जा रही है, मतलब कि सेकंड में पहुंच गया है। तो यहाँ पर कौन कौन से जो ऑर्गन है अफेक्ट होंगे? तो यहाँ पर आपका ब्रोंकस से विदाउट कैरीना, कैरीना एक जो पार्ट होता है, यहाँ पे देखिए कहा है कि सेम साइड ऑफ द चेस्ट में जो ट्यूमर की साइज मिली है लेस देन 3 सेंटीमीटर है। क्या है? लेस देन 3 सेंटीमीटर में है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये सेम साइट में, लेकिन यहाँ पर जब ये चेस्ट के सेम साइट में है तो ये लंग कैंसर की जो स्टेज यहाँ पर डायग्नोस की जाएगी, कि यहाँ पर विसरल प्लूरा में तो इन्वेजन हो ही गया है, लेकिन यहाँ पर जो आपका करीना है जहाँ से ब्रोंकाई 2 पार्ट में डिवाइड होती है, उस पार्ट को क्या है यहाँ पे अफेक्ट नहीं कर पाया है, तो ये होगी आपकी स्टेज 2A। क्या होगी? स्टेज 2A। नेक्स्ट इज,
अ पेशेंट इज सफरिंग विथ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, आपको टीएनएम स्टेजिंग इतना इजीली समझ में नहीं आएगा, इसके लिए सेपरेट आज ही आपको इवनिंग में टीएनएम क्लासिफिकेशन पढ़ा देंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आज ही 10 मिनट के एक सेपरेट वीडियो है जो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। अ पेशेंट इज सफरिंग विथ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, द नर्स शुड मॉनिटर द पेशेंट फॉर डेफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। यदि मरीज को क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की कंडीशन हो रही है तो आपको एज अ नर्स है जो क्या आप मॉनिटर करेंगे, किस विटामिन की कमी से हो सकती है, ए B12, ई या फिर के, कौन से विटामिन की कमी से मरीज में आपके कंडीशन है जो डेवलप हो सकती है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, तो ये होती है B12 की कमी से। किसके कारण? B12 की कमी से। B12 है जो मोस्ट ऑफ दी, यदि हम बात करें तो मिलता किस में है सबसे ज़्यादा, नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं उनमें B12 की कमी रेयर देखने को मिलेगी कंपेयर टू वेजिटेरियन के, क्योंकि इसका जो सोर्स है मेनली वही होगा। नेक्स्ट वन, व्हाइल प्रोवाइडिंग डायट्री इंस्ट्रक्शंस टू अ पेशेंट सफरिंग विद डायवर्टिकुलाइटिस, द नर्स आस्क द पेशेंट टू ईट। यदि डायवर्टिकुलाइटिस वाला मरीज आपको मिल जाए, क्या है डायवर्टिकुलाइटिस वाला पेशेंट आपको मिल जाए, तो यहाँ पर उसकी डाइट में आप क्या करने के लिए कहेंगे, हाई रेसिड्यू डाइट, लो रेसिड्यू डाइट, हाई फैटी डाइट या फिर ए एंड सी। तो यहाँ पर आप उसकी डाइट को लो रेसिड्यूअल डाइट में कंसीडर करेंगे, किसमें, लो रेसिड्यूअल डाइट में। डायबिटिकुलाइटिस में होता क्या है कि एक तरीके से जो इस इंटेस्टाइन है, क्या है, इंटेस्टाइन है डायबिटिकुलाइटिस में, उनमें एक तरीके से क्या बन जाते हैं, स्मॉल पाउच टाइप बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, पाउच बनेंगे, तो वहाँ पर रेडनेस होगी, स्वेलिंग टाइप भी होगी, तो इसके कारण यहाँ पर पेशेंट को डाइट दी जाएगी, कैसी होगी, हाई रेसिडुअल डाइट। नेक्स्ट वन, मेजर ऑर्गन कैन अफेक्टेड बाय अनट्रीटेड सिफिलिस, यदि सिफिलिस को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाता है, सिफिलिस ट्रिपनोमा पैलेडियम से होने वाला एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, यदि इसको अनट्रीटेड छोड़ दें तो क्या होने के चांसेस होंगे, कौन सी ऑर्गन अफेक्ट होंगे, हार्ट, ब्रेन, लीवर या फिर बोथ एंड बी। तो यदि यहाँ पर सिफिलिस को अनट्रीटेड छोड़ देंगे हम तो हार्ट और ब्रेन दोनों अफेक्ट हो जाएंगे, क्या है, दोनों अफेक्ट होंगे। नेक्स्ट वन, हू रोट द बुक शक्ति के शांति, शक्ति के शांति बुक किसने लिखी थी, ये लिखी थी मोदी जी ने, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, क्या है, शक्ति के शांति एक फेमस बुक है, लिखी थी नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नेक्स्ट वन इज बबिंस्की रिस्पॉन्स यूजुअली डेवलप्स विथ डैमेज इन, बबिंस्की रिफ्लेक्स है जो यहाँ पर रिस्पॉन्स है किसमें देखने को मिलेंगे, क्या डैमेज होगा, तब अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर सेरिबेलर या फिर थैलेमस, किसके डैमेज होने के कारण बबिंस्की रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, तो वो होगा अपर मोटर न्यूरॉन, क्या है, अपर मोटर न्यूरॉन। नेक्स्ट वन, द प्रेजेंस ऑफ प्टोसिस सजेस्ट डैमेज टू विच क्रैनियल नर्व, प्टोसिस का मतलब क्या होता है, ड्रूलिंग ऑफ आईलिड्स, आँखें हैं जो आपकी नीचे को लटकी हुई टाइप रहेंगी और ये होंगी जब आँखों की नर्व में प्रॉब्लम होगी, वो नर्व कौन सी है, तीसरे नंबर की, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द करेंट रिकमेंडेशन ऑन व्हेन टू स्टार्ट ART, जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है, यहाँ पर करेंट रिसेंट में रिकमेंडेशन क्या है, जब CD4 लेस देन 200 हो, लेस देन 300, लेस देन 500 या फिर ऑल पॉजिटिव पेशेंट रेस्पेक्टिव ऑफ द CD4 काउंट। तो ART ड्रग है जो किसके लिए दी जाती है, HIV/AIDS के ट्रीट करने के लिए, तो यहाँ पर जो भी पॉजिटिव पेशेंट है वो CD40 सेल काउंट को लेके, तो यहाँ पर इतनी इन सेल से कम है तो उनको स्टार्ट कर दी जाती है। नेक्स्ट वन, अ पेशेंट हैज टेकन एन ओवरडोज ऑफ एस्प्रिन, यदि CD40 सेल काउंट की वो पूछें तो सबसे जो यहाँ पर वैल्यू पूछें तो लेस देन 200 तक आ जाती है, कितनी, लेस देन 200 तक। नेक्स्ट वन, अ पेशेंट हैज टेकन एन ओवरडोज ऑफ एस्प्रिन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अ नर्स मोस्ट क्लोजली मॉनिटर फॉर ड्यूरिंग एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट। यहाँ पर मरीज ने एस्प्रिन का ओवरडोज ले लिया है तो यहाँ पर आप उसको क्या मॉनिटर करेंगे, ऑनसेट ऑफ पल्मोनरी एडिमा, पार्किंसन डिसीज टाइप सिम्टम, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो आपकी जो प्रायोरिटी होगी यहाँ पर वो होगी पार्किंसन जैसे लक्षण दिखाई देना, क्या है, एस्प्रिन यदि ओवरडोज हो जाए, क्या है, एस्प्रिन यदि ओवरडोज हो जाए तो मरीज को है जो
हेडेक टाइप का भी फील होगा, फास्ट ब्रीदिंग होगी, बीपी भी आपका लो हो सकता है। तो इस तरीके के सिम्टम होंगे जैसे पार्किंसन डिसीज के सिम्टम होंगे, तो यहाँ पर वही है कि काइंड ऑफ पार्किंसन डिसीज जैसे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है आरबीसी का जीवन काल, तो 120 दिन होता है। यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, यदि ये कम हो जाए तब प्रॉब्लम होती है। तो आरबीसी का जो लाइफ स्पेन है वो कितना होता है, 120 दिन का। बाइकार्बोनेट इज लॉस्ट ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो हमारे शरीर से बाइकार्बोनेट का लॉस कब होता है, डायरिया में, वॉमिटिंग में, डायोरेसिस या फिर डायफोरेसिस में, किस में होगा। बाइकार्बोनेट हमारे शरीर से लॉस होते हैं डायरिया के केस में, किस में, डायरिया में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पैरामेट्रिक स्टेटिकल टेस्ट, रिसर्च का क्वेश्चन है, तो वो चाई स्क्वेयर टेस्ट। ये सभी एग्जाम में आ चुके हैं, सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हैं और ये भी ऑफिशियल पेपर ही है। नेक्स्ट है टीना हैज पोटेशियम लेवल 6.5 MEQ पर लीटर, व्हाट इज द फॉलोइंग मेडिकेशन वुड नर्सिंग ऑफिसर एंटीसिपेट। तो यदि यहाँ पर क्या है, पोटेशियम लेवल कितना हो गया है, 6.5 है, जो 6.5 हो गया है, तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा मरीज को, कैक्सिलेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, सोडियम टेबलेट या फिर पोटेशियम सप्लीमेंट। तो जो पोटेशियम लेवल होता है हमारे ब्लड सीरम का वो होता है 3.5 to 5.2, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा है तो इसको बॉडी से कम करना है, तब दिया जाता है कैक्सिलेट। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले ही एक सीरीज में पढ़ाया था। तो यदि 6.5 MEQ पर लीटर है पोटेशियम लेवल, तब कैक्सिलेट जो कि पोटेशियम बाइंडिंग एजेंट है बॉडी से पोटेशियम को बाहर निकालने में हेल्प करेंगे। लास्ट है सिनोनॉम्स पहचानना है आइसोलेट का, कन्फाइन, इनकॉर्पोरेट, इंटीग्रेट या फिर मिंगल। तो यहाँ पर आइसोलेट का सिनोनॉम्स होगा कन्फाइन। तो ये था ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, जिन्होंने भी ये क्लास में पेपर देखा बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं देखा बाद में देख लीजिए। और जो मैंने यहाँ पे आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट बताया वो आपको ज़रूर अवेलेबल होगा। तो जो लोग यदि फ्लिपकार्ट से बुक ऑर्डर करते हैं, तो यदि आप वहाँ पे जो भी रेटिंग देते हैं आफ्टर दैट उस रेटिंग के, आपको ओनली स्क्रीनशॉट भेजना है मेरा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, देन आफ्टर आपको गिफ्ट है जो अवेलेबल करवाया जाएगा। गिफ्ट आपके स्टडी मटेरियल से रिलेट करते हुए रहेंगे। और जो भी लोग बुक ऑर्डर करना चाहते हैं फ्लिपकार्ट पे कर सकते हैं, अभी क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए ही आपको ऑफर अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।